भाई साहब, आपकी तरह हम भी सकते में आ गए थे। अफसोस की बात है कि हमें बाबा ऐसे हालात में मिले। ये सिर्फ मृत्युंजय को ही पहचान पा रहा है, बाकी सब बातें शायद भूल गए। बाबूजी, 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 बाबूजी कहाँ चले गए? बाबूजी, बाबूजी आपको पता नहीं है हम आपसे मिलकर कितना खुश हैं। बाबूजी कितना खुश हैं बाबूजी, ऐसा लगता है जैसे बरसों की तपस्या का फल भगवान ने अचानक एक साथ दे दिया। बाबूजी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, बहुत खुशी हो रही है बाबूजी। बाबूजी अब मैं आपको कहीं नहीं जाना दूंगा, हम आपको कहीं नहीं जाना देंगे बाबू, वो कहीं नहीं जाना देंगे बाबू। नहीं, तारा भाभी को दिखा के आती हूँ। दादाजी जिंदा है? वो डैड को मंदिर में मिले। अच्छा, तो घर के बुजुर्गों की पुण्यों का ही फल है जो वो मिल गए हैं। बहुत शुभ संकेत है। मेरी तारा को उसकी शादी पर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पता है वो सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय भाई को पहचानते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसे। देखो मैंने फोटो भी खींची है। ये तो वही है जिन्हें मैं घर में लेकर आई थी। ये दादाजी हैं? तभी ये बार बार शिखावत भवन बोल रहे थे। हाँ, मैंने तो इनका आशीर्वाद अभी ले लिया था। मैं अभी क्या भी मृत्युंजय को जाकर बताती हूँ। कहाँ चली? भाभी भैया को मिलने जा रही है। बिल्कुल नहीं, जाने देना मेरी। मैं तो वसु को लेने आई थी। चल वसु, मैं तो चल। अरे तारा का आना मना है ना, पर मैं तो आ सकती हूँ ना। मैं चलूँ आपके साथ? क्यों नहीं, आपको तो हम दूल्हे वालों में ही शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, हम मायके वाले दूल्हे वालों की गैंग में शामिल नहीं होते। तो यही रुक नंदू, तेरी बहन के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी है। चल चलते हैं। अब एक मिनट। हेलो मृत्युंजय भाई। हाँ मिठी बोलो। हमें आपसे कुछ पूछना था। वो क्या है कि आज ही सारी शॉपिंग करनी है ना, तो तारा भाभी आपको मृत्युंजय भाई से मुंह दिखाई की रस्म में क्या चाहिए? मीठी, मुंह दिखाई तो तब होगी ना जब तुम्हारे भाई का मुंह दिखेगा मुझे। मैं तो अभी भी यही सोच रही हूँ, इस बार की दुकान की दाढ़ी मूंछों के पीछे चेहरा कैसा छुपा है। कुछ खाल है भी या सिर्फ दाढ़ी मूंछें हैं? मुझे अपने पति से गहने वहने नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने पति को छोटे बाल और चिकने चेहरे में देखना चाहती हूँ। ये क्या तारा, ये क्या मांग लिया? 9 लाख हार मांगती तो वो मिल जाता, सोने की जरी वाली साड़ी मांगती तो वो भी मिल जाती। ये मांग तो कभी नहीं पूरी होगी। तुम भी ना तारा धन्य हो। मुझे तो बस यही चाहिए, बस। सुन लिया भाई, बाय। तू भी कुछ भी मांगती है। चल। बस एक बार खबर देके भैया ने फोन ही काट दिया, और मुझे तो एक एक पल की खबर चाहिए। वहाँ क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं? हल्दी कब है वहाँ पे, और मेहंदी कब है? वो संगीत के साथ है अलग से। ऐसे मीर क्या पहन रहा है? उस पे ना नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। आसमानी शेरवानी पहनेगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो हमेशा कहता रहता था मैं कभी शादी नहीं करूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा, और अब देखो मन में लड्डू फूट रहे होंगे उसके। और काला टीका जरूर लगा देना उसे। बता मुझे क्या बात है। प्यार करती है उससे। खुद से भी ज्यादा आज तक मैंने अगर किसी से प्यार किया तो मेरी है, उसके अलावा मेरा कोई दोस्त रहा ही नहीं है। तो तुमने उससे कुछ कभी कहा क्यों नहीं पकली? मुझे लगा जो बात दिल में है वो आंखों से बयां हो रही होगी। एक बार उससे कह के तो देखती। भैया मृत्युंजय तो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। वो तो तारा से प्यार करता है और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो तो ना हमेशा खुश रहे। तेरी जिंदगी में भी खुशी आएंगी, बहुत खुशी आएंगी। और तेरा ये भाई तेरे लिए करोड़ों में एक दूल्हा ढूंढ के लाएगा, प्रॉमिस। फिर क्या कहा उसने? कहने लगे आज शुभ दिन है, एक शुभ काम और कर डालो। आज कोर्ट में अर्जी लगा दो राधा का केस दोबारा खोलने की। उनकी आवाज में इतनी खनक थी, ऐसा लगता था कोई अलादीन का चिराग उनके हाथ लग गया। शक था मुझे पहले से ही शक था कि राधा जरूर जिंदा है। ये लड़की नहीं है, मुई बिल्ली है, बिल्ली। हर बार मुझे चकमा देके भाग जाती। अंग्रेजी में कहावत है ना, अ कैट हैज 9 लाइव्स। अरे 15 बार तो ये मुई मेरे हाथों से बच के भाग गई है। हाय रे किस्मत, मेरी हर प्लान फेल हो जाती है। पहले मृत्युंजय, फिर तारा, फिर राधा और अब ये बुढ़ा। सबके सब कलावती की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जान के पीछे पड़े। जैसे मैं जीतने वाली होती हूँ मृत्युंजय आके औंधे मुंह गिरा देता है। और मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सबसे पहले तो राधा नाम की इस बिल्ली को दबोचना होगा, न जाने कहाँ छुपी बैठी है। मेरे गुनाहों की चश्मदीद गवाह चेहराज के कब्जे में। ना 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 ना, पिछली बार जो चालें नाकाम रहीं, इस बार सारी की सारी कामयाब होंगी। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि इस बार चेहराज का वकील कलावती का प्यादा है, और कलावती का प्यादा कलावती को ही जिताएगा ना, चाल चाहे किसी की भी हो। शाबाश कलावती, शाबाश। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मृत्युंजय, अरे हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैं बस देखने आया था कि राधा कैसी है। होपफुली तो ठीक है ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी मेरे बिना। कितना सोचा था मैंने तुम्हारी शादी के बारे में कि मैं तुम्हें सेहरा पहनाऊंगी, घोड़ी चढ़ते हुए देखूंगी, तुम्हारी बारात में डांस करूंगी। और अब हो क्या रहा है? मैं इस घर में बंद हूँ और तुम वहां पे जाके शादी कर। तुझे यही फिक्र है ना कि ये दूल्हा बन के कैसा लगेगा, है ना? तू फिक्र मत कर, मैं सब खुद तैयार करूंगा। हाँ, मेरी नेक मत भूलना कंजूस। मैं भी तो चाहता हूँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ रहे, पक पक करती रहे, मुझे परेशान करते रहे। तो तेरे हिफाजत के लिए मेरा यही रहना बेहतर होगा। समझती हूँ मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे सच्चाई का बिल्कुल नहीं पता था। सच्चाई के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम इस मूंगफली के भाई हो। जिंदगी के खेल कितने अजीब होते हैं। मैं इस लड़ाई में हमेशा तुम्हारे साथ हूं और देखना तुम्हें बेगुनाह साबित करा के रहूंगा। आई प्रॉमिस यू। थैंक्स। चलता हूं, एक जरूरी काम है। दीदी, तेरे दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? नहीं तो मैं तो घर पे ही रहूंगी बंद। वही करना, घर के बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं। बहुत अच्छे से जानते हो तुम अपनी मूंगफली को, वो तुम्हारी बात थोड़ी मानेगी। रुक एक मिनट। अब फहीमी, आप वो आपने मृत्युंजय को देखा? पता नहीं हुजूर, हमने भी बहुत समय से देखा नहीं है उन्हें। अरे मिठी बहू, वो जरा मृत्युंजय का फोन लगाना। जी बाबू। हेलो भाई, आप कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। जल्दी आइए, तारा के घर से सब लोग आते ही होंगे हल्दी लेकर। मीठी, मैं जरूरी काम में हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर आप हैं कहाँ? मीठी, मैं फोन रखता हूँ। हाँ। बाबा कह रहे हैं कुछ जरूरी काम में है। जरूरी काम? इस समय? इस समय क्या जरूरी काम हो सकता है? तारा के घर वाले हल्दी लेकर आ ही रहे होंगे। यहाँ पे सारे रस्मों का ख्याल हमें ही रखना पड़ता है। जिसकी शादी है उसे कोई फिक्र ही नहीं है। अरे आ जाएगा भाई। क्या जरूरी काम है मृत्युंजय को? कहीं केस से संबंधित कोई काम तो नहीं? हेलो सर, हमें गुदान का पता चल गया है। वो जिसकी पिस्तौल बरामद हुई थी तारा की पर्स से, उसे हम बहुत जल्द अरेस्ट कर लेंगे। वेरी गुड, कल दिन खत्म होने से पहले उसे अरेस्ट कर लो। जी सर। ओके। हमें रुद्रप्रताप सिंह को बता देना चाहिए कि हमारी टीम कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। चला नंदू। एक मिनट। क्या हुआ? वो राधा ने बोला था मैं उसको हर 10 मिनट में उसे फोटो खींच के भेजता रहूं, तो प्लीज एक फोटो चाहिए था। जल्दी कर बेटा, देर हो रही है। अरे रुको। हाँ। एक मिनट, मैं तो छूट गई। आज जल्दी आओ, जल्दी चल खींच ले। ओके। राधा ने बोला ना एक और। अच्छा ठीक है। हाँ ओके। चलो अब हो गया ना। हाँ। अरे नहीं मसूर, उस बाल की दुकान को ना अच्छे से हल्दी लगाना, और उसके बालों के जंगल में से थोड़ी सी शक्ल दिख जाए ना तो वहां भी हल्दी लगा देना। आनंद तू भी सुन, ज्यादा संभाल के हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लगाना। मेरे ते और बंटी के स्टाइल लगाना, समझी? तूने फिर से मुझे बंटी की याद दिला दी। आज तेरी शादी है और वह यहाँ है ही नहीं। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। तो दुल्हन की डोली लेके आएगा और पुलिस वाले तेरी डोली लेके आएंगे। आदि ना अच्छा लग रहा है ना। तारा भाभी और मृत्युंजय भाई शादी कर रहे हैं, वो भी तब जब उनके बीच में सच्चा प्यार हो गया है, वरना शादी शादी कहाँ रहती। हमारी शादी भी कितनी जल्दी जल्दी में हो गई। तब तो बस मैं और तुम। इस बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। चल तू अच्छे से रहना और मैं अपने चांद जैसे बेटे को हल्दी लगा के आती हूँ। भूला मत, बिल्कुल नहीं। अरे चलो ना। हाँ तो चलो ना। लगाते हो तुम। जब वो लोग चले जाएं तो मुझे मैसेज कर देना। आज मुंह दिखाई होगी? है मुंह दिखाई? माँ और नंदू निकल गए, पर फेरों के पहले तो मिल नहीं सकते, है ना? बोलो तो चांदी के बर्तन जो हैं वो आराम से निकाल के बढ़िया से। माँ और नंदू इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ शादी का अस्तबल, मतलब शादी का घर। कहीं चोर वोर तो नहीं आ गए? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हेलो, लाइफ में चोर की धुलाई इस डंडे से नहीं की ना तो क्या किया। हाँ बच के जाएगा मुझसे। तारा नाम है मेरा, तारा। ऐसे रही मुँह दिखाई।